ये सब क्या है भाई मल्होत्रा साहब? आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है और सबके सब एक ही बात कहे जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना लगेगा। 30 साल हो गए हैं यहां से जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये जीवन का नियम है, एक जाता है तो उसकी जगह भरने कोई दूसरा आता है। आपका रिटायरमेंट हम सबको बहुत खल रहा है। देखिए रावत साहब, अब बाकी की जो जिंदगी है उसे हम जरा स्वाद ले ले करके जीना चाहते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। As you wish। चलो दोस्तों, तो फिर बच्चन साहब क्या कह रहे हैं कि भैया अब रिटायरमेंट हो गया है, अब घर पे आराम से बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, राइट? ऑफिस वाले कह रहे हैं आपका रिटायरमेंट बच्चन साहब हमें बहुत खलेगा, और बच्चन साहब कह रहे हैं अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा मैं ऑफिस, इतने साल मैंने इस ऑफिस को दिए, अब नहीं आऊंगा मैं, कह दिया तो बस कह दिया। तो भैया बच्चन साहब कह रहे हैं ऑफिस नहीं आऊंगा, ठीक है, रिटायरमेंट पार्टी हो रही है। अब रिटायरमेंट पार्टी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा है कि नहीं बात? तो भैया रिटायरमेंट पार्टी तो आप कर लेंगे सर, उसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा? तो सबसे पहली और शानदार जानदार बात, जब भी कोई इम्प्लॉय रिटायर होगा तो पार्टी के लिए भी पैसा चाहिए, और फिर आगे का जो जीवन है, आगे के 20 30 40 साल जो भी वो गुजारेगा इस धरती पर, तो धरती मेरी माँ है अगली बात, तो भैया उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, अब जॉब भी नहीं रही, भैया बच्चन साहब रिटायर हो गए तो जॉब भी गायब हो गई, ठीक है, यानी सोर्स ऑफ अर्निंग जो जॉब से थी वो खत्म हो गई, तो बुढ़ापा गुजरेगा कैसे? तो कुछ बुढ़ापा तो गुजर जाएगा सेविंग से, और कुछ बुढ़ापे के सहारे के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं इम्प्लॉय को, और सबसे पहला बेनिफिट जो उसे काफी ह्यूज अमाउंट में मिलता है ना, 8-10 लाख रुपए तो नॉर्मली मिल ही जाते हैं इतनी लंबी जॉब के दौरान, और वो होता है इनाम मिला है कि नहीं बात? और इनाम को कानूनी भाषा में बोला जाता है ग्रेच्युटी दस दस, क्योंकि 10 लाख रुपए तो मिनिमम इनाम मिल ही जाता है आजकल की लाइफ में, यानी कि बात किसी को 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, 10 भी, किसी को 50 भी मिल सकता है। तो इनाम का मतलब क्या है? इनाम का मतलब यह है कि आपने जिंदगी भर कंपनी में ईमानदारी से काम किया, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी दाग नहीं लगा, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ग्रेच्युटी एक्ट है एक हमारा, है ना, ग्रेच्युटी एक्ट, राइट, बीकॉम वगैरह में आप पढ़ेंगे ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी एक्ट यानी कि ग्रेच्युटी इनाम का एक्ट ही ये बोलता है कि जब भी इम्प्लॉय छोड़ के जाएगा उसे कुछ उसी तरीके से इनाम दिया जाएगा जैसे हम नानी का घर छोड़ के जब आते हैं गर्मियों की छुट्टी के बाद, या दादी का घर छोड़ के आते हैं, तो जाते टाइम पे नानी या दादी क्या करती थी? 100 रुपए लिए, लिमिट 100 रुपए है कि नहीं बात, राइट? नानी क्या रहे वहां मौज मस्ती करी, साथ में जाते टाइम पे भी कुछ 100-500 रुपए मिल जाते थे। अच्छा सुनो, बुआ पैसे दे तो रख मत लेना, ओके? दादी के गए, दादी ने जाते हुए जीते, वो चलन क्या है? ये जो हमारा इंडियन कल्चर है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार, पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, नानी दादी के मजे भी करो और इस कल्चर का, है ना, मजा भी लो कि पैसे मिल जाते हैं। ये कल्चर जो चलन है, ये जो कस्टम है, इस कस्टम को हमारे इंडियन लॉ में बरकरार रखा गया, और उन्होंने बोला कि ये नानी दादी की तरह ही हमारी कंपनी भी हमारी क्या है, एक बड़े बुजुर्ग की तरह रखवाली करने वाली, है ना, चीज है जो कस्टम का क्या करेगी, पालन करेगी, और इम्प्लॉय जब भी कंपनी छोड़ के जाएगा तो उसे इनाम के तौर पर, उसकी ईमानदारी के तौर पर, शगुन के तौर पर, जैसे दादी नानी ने हाथ में रख दिए पैसे जाते टाइम पे, ले बेटा, है ना, राइट, ऐसे ही जाते टाइम पे बच्चन साहब के हाथ में, रिटायर होने वाले इम्प्लॉय के हाथ में कंपनी पैसा चेक रख देगी, ले बेटा, है ना, आएगा जीवन बढ़िया गुजरेगा, उसी को ही बोलते हैं ग्रेच्युटी। क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी, घर जाते वक्त पैसा मिलेगा जैसे नानी दिया करती थी, है ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, है कि नहीं बात? बिल्कुल यही गाना गाते हुए।
भैया ये इमोशनल कहानी फाइनेंस मिनिस्टर भी देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया फाइनेंस मिनिस्टर वाह कितनी इमोशनल कहानी है भाई, ग्रेचुटी मिल रही है, इनाम मिल रहा है, ठीक है थोड़ा मिल बांट के खाएंगे तो जीवन अच्छा गुजरेगा ना, तो दोनों मिल बांट के खा लेते थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है कि नहीं बात। इसका मतलब क्या हुआ सर, भैया अब रिटायरमेंट पर बुढ़ापे पर जो भी इनाम मिल रहा है, आपको जो भी पैसा मिल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर की नजर उस पे भी पड़ी है। वो कह रहे हैं भैया देश चलाना है, पैसा तो चाहिए तो थोड़ा टैक्स तो देना पड़ेगा। अब क्योंकि बुढ़ापे पे मिल रहा है, ठीक है, तो थोड़ी जानकारी है ना ले लेते हैं कि जो भी पैसा बुढ़ापे के टाइम पर ग्रेचुटी के नाम का मिलेगा उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा। अब इंप्लॉय बेचारा रो रहा है, कह रहे हैं एक तो बुढ़ापा आ गया, पता नहीं बच्चे रखे ना रखे, बच्चन साहब की तरह है कि नहीं बात, राइट, बागवान की तरह बच्चों ने अलग भैया हो तू हो है कि नहीं बात, फिर क्या होगा, अब कैसे जीवन गुजरेगा बताओ, है कि नहीं बात। अब भैया इंप्लॉय कह रहा है मैं आत्मनिर्भर बल्लो घंटा खोद के बैठ गया, वो संसद भवन के अंदर मिट्टी डाल दो मेरे ऊपर, जान दे दूंगा मैं आज। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा यार ऐसे नहीं करते, आत्महत्या आत्महत्या जैसी बातें नहीं करते, बहुत डर लगता है, चलो एक काम करते हैं, जितना भी पैसा तुम्हें रिटायरमेंट का मिला ग्रेचुटी के नाम का, हम उस ग्रेचुटी में से कुछ एग्जम्पशन तुम्हें दे देते हैं, कुछ एग्जम्पशन ले लेना है कि नहीं बात, और जो एग्जम्पशन तुम लोगे जो बच जाएगा उसके बाद उसके ऊपर टैक्स दे देना, उसके ऊपर टैक्स दे देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अलाउंसेस में करते हैं, सेम खेल खेलना है, यानी एग्जम्पशन याद करनी है। अगर भैया ग्रेचुटी मिली बुढ़ापे पर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑन ड्यूरिंग जॉब बात नहीं कर रहा, मैं रिटायरमेंट बात कर रहा हूँ, ग्रेचुटी ऑन रिटायरमेंट, बुढ़ापे के टाइम पे, बुढ़ापे का सहारा ग्रेचुटी हमारा, अगर ग्रेचुटी मिली है रिटायरमेंट पर और जिसको मिली है वो निकला सरकारी इम्प्लॉय, सरकारी मुलाजिम यानी गवर्नमेंट इम्प्लॉय, तो भैया सरकारी नौकरी के यही मजे हैं, तभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, क्या मजे है सर, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट यानी कि एक रुपया पर भी आपको टैक्स देना, जो भी बुढ़ापे के टाइम पे ग्रेचुटी मिल रही है वो मानी जाएगी 100% एग्जेम्प्ट। लेकिन लेकिन अगर आप हैं नॉन गवर्नमेंट इम्प्लॉय, क्या है सर, नॉन गवर्नमेंट इम्प्लॉय, तो फिर आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट का मजा नहीं मिलेगा, तो फिर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। एग्जम्पशन है ना, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई कि किस तरीके से हम एग्जम्पशन निकालेंगे, बहुत सिंपल है, सिंपल सिंपल से फॉर्मूला याद करना है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। सर पहले उन्होंने पूछा ये बताओ क्या तुम ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो, कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट, कवर इन ग्रेचुटी एक्ट, कवर इन ग्रेचुटी एक्ट। अब ग्रेचुटी एक्ट में कुछ कंडीशन दे रखी है जिससे हमें पता लगता है कौन सा इंप्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा, कौन सा इंप्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होगा, राइट तो ग्रेचुटी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है तो हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन में लिखा मिलेगा ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या नहीं, तो या तो आंसर होगा हाँ भाई हाँ मैं ग्रेचुटी एक्ट में कवर हूँ, या फिर आंसर होगा ना भाई ना मैं ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं। सबसे पहले चलो मान लेते हैं वो इम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो उसको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। सबसे पहले लिमिट बहुत बहुत आसान सी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पहली लिमिट, एक बात जो आपको बचपन से ही पता है, वक्त से पहले और एक्चुअल से ज्यादा, भैया वक्त से पहले और एक्चुअल से ज्यादा, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले आपकी एक्चुअल मेहनत से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जितनी मेहनत करोगे उतना ही इनाम पाओगे, इसलिए एक्चुअल ग्रेचुटी से ज्यादा तो कभी भी एग्जम्पशन मिली नहीं सकती। अगर आपको ग्रेचुटी 10-10 है ना, अगर आपको ग्रेचुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में ग्रेचुटी अगर 5 लाख मिल रही है तो 5 लाख से ज्यादा की एग्जम्पशन मिल नहीं सकती, इसलिए एक्चुअल अमाउंट तो हमेशा फिक्स होगा, जैसे एचआरएमए भी था, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। दूसरी लिमिट क्या है सर, दूसरी लिमिट है जो इनकम टैक्स ने लिमिट बनाई आपके लिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने लिमिट बनाई 20 लाख रुपए, बहुत बहुत बड़ी लिमिट है 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए की लिमिट बनाई, 20 लाख रुपए तक है ना एग्जम्पशन का मजा आप ले सकते हैं, राइट। तीसरी बात सर, तीसरी बात और तीसरी लिमिट क्या है, अब ये तो भैया क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये तुम्हें याद होगा, मासूम से बच्चे तुम भी तो कुछ करोगे, ठीक है, तो सुनना ध्यान से, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला तीसरी लिमिट एक फॉर्मूला टाइप में बनाते हैं जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है, पहले लिखेंगे 15/26, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ
कि ग्रेचुटी की जो एग्जम्पशन आपको दी जाएगी, ग्रेचुटी की जो एग्जम्पशन आपको दी जाएगी वो 15 दिन के बराबर दी जाएगी, यानी 1 महीने के 15 दिन के बराबर, ठीक है। और 1 महीने में दिन कितने मानेंगे, 1 महीने में हम 26 दिन मानेंगे। बता दी समझ में खुपड़ी में आता माजी से टकली कि भैया एग्जम्पशन जो आपको मिलेगी ग्रेचुटी की वो 15 दिन की मिलेगी, ठीक है। 15 दिन की मिलेगी तो महीने के हिसाब से निकलेगी कि भैया जितना महीना है उसके 15 दिन की ग्रेचुटी मिलेगी। और 1 महीने में हम दिन कितने माने, 26, तो पूरे महीने में 26 दिन है जिसमें से 15 दिन की ग्रेचुटी की एग्जम्पशन आपको दी जाएगी, जिसमें 15 दिन की एग्जम्पशन के लिए आप एलिजिबल है। इनटू लास्ट सैलरी, लास्ट सैलरी बोले तो सर जिंदगी की आपकी जिंदगी की आखिरी सैलरी, ठीक है, रिटायरमेंट के मतलब, यानी कि जिंदगी ना मतलब जिंदगी में जो रिटायरमेंट आ रहा है आपका कंपनी से उसकी आखिरी सैलरी, यानी बच्चन साहब को जब रिटायरमेंट हुआ तो उनके आखिरी महीने की सैलरी कितनी थी वो अभी देखेंगे इसके अंदर क्या आएगा। इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल बच्चन साहब ने जॉब पूरी कर ली, कंप्लीट ईयर, ठीक है ना, वो 20 साल, 25 साल, 30 साल, है ना, 40 साल ये। अब सर जब हम बात करते हैं लास्ट सैलरी की, तो सर जब भी हमने सैलरी का नाम लिया है हमने हमेशा एक ही चीज ध्यान करी है कि जब जब सैलरी का नाम आया है उसके कंपोनेंट हमने याद किए हैं, याद किए कि नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं सर। यहाँ पे लास्ट सैलरी का मतलब होगा तो उसमें 2 चीजें ऐड करनी है, एक तो बेसिक, सिर्फ 2 चीजें, बेसिक प्लस DA 100%, है ना, 100%। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जा जिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जब भैया तो रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेचुटी लेते वक्त तेरी जो सैलरी होगी, है ना, उसमें बेसिक के साथ DA बुढ़ापे की परसेंटेज नहीं, जितना भी DA है तेरा, और ये जो बेसिक और DA ऐड करनी है वो जिंदगी की आखिरी मंथ की ऐड करनी है, यानी 1 मंथ की, 1 मंथ, और वो मंथ कौन सा होगा, जिस महीने वो रिटायर हो रहा है ना, 1 महीने की बेसिक और 1 महीने का DA, 1 महीने की बेसिक, 1 महीने का DA, तो आखिरी का जो 1 महीना होगा, लास्ट 1 मंथ जो होगा उसका बेसिक, उसका DA, याद रखना है बात, बहुत डेंजर बात है, एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं, 1 महीने की लेनी है, 2-4-5 महीने के मतलब लेना, आखिरी के महीने की बेसिक, आखिरी के महीने का फुल DA, आखिरी के महीने की बेसिक, आखिरी के महीने का फुल DA, मानिएगा सर, राइट। अब देखो, अब बात आती है सर ये क्या चक्कर है, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, इसे ध्यान से समझेंगे नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर को। अब बच्चन साहब क्या बोल रहे हैं, बच्चन साहब ने आपके सामने 4 सवाल रखे, मेरे सवालों का जवाब दो ना, अमिताभ बच्चन जी ने, ना बच्चन साहब ने कहा भैया मैं रिटायर हुआ, राइट, जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे पता लगा मैंने जॉब करी 30 साल 8 महीने, ठीक है, दूसरा सवाल, ठीक है, बच्चन साहब ने कहा जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे पता लगा मैंने बैंक में ICICI बैंक में जॉब करी 30 साल 7 महीने, फिर बच्चन साहब ने कहा जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे पता लगा मैंने जॉब करी 30 साल 5 महीने, राइट, और बच्चन साहब ने कहा जब मुझे पता लगा मैं रिटायर हुआ तो मैंने जॉब करी 30 साल एग्जैक्टली 6 महीने, राइट। अब लॉ में क्या लिखा है, लॉ में लिखा है नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस में जब हम ईयर को कंप्लीट करेंगे तो उसे पूरा राउंड ऑफ में कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि हमें बीच के मंथ, है ना, फाइनेंशियल कहने चिल्लर चिल्लर निगिन 8 महीने 7 महीने 4 महीने, है कि नहीं बात, या तो 30 साल 31 साल 30 साल 31 साल, ये खेलना है बस, ईयर को कंप्लीट करना है, इसलिए क्या लिखा है कंप्लीट ईयर, यानी हमें कंप्लीट ईयर से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना। जब कंप्लीट ईयर से मल्टीप्लाई करना है, बीच के मंथ मल्टीप्लाई नहीं करने, तो या तो मुझे बच्चन साहब के क्या लेने पड़ेंगे सर, 30 साल लेने पड़ेंगे, 31 साल लेने पड़ेंगे, यानी कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो अपर राउंड ऑफ करना पड़ेगा या लोअर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ग्रेचुटी में वो बंदा कवर है तो उसे एक बेनिफिट मिला, उसे एक फायदा मिला, है ना, फायदा, क्या फायदा मिला सर, कि अगर उसने 6 महीने से ऊपर जॉब कर ली, एम्प्लॉय ने या बच्चन साहब ने 6 महीने से ऊपर जॉब कर ली, तो मंथ को हम अपर राउंड ऑफ करेंगे, जैसे मैथ्स के सवालों में करते हैं, अकाउंट के सवालों में करते हैं कि भैया
जो पैसा 50 पैसे से ऊपर चला जाता है तो हम उसे अपर राउंड ऑफ कर देते हैं। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चन साहब ने जॉब करी 30 साल 8 महीने, तो यहां बन जाएंगे उनके 31 साल, अपर राउंड ऑफ, कंप्लीट ईयर अपर राउंड ऑफ कर दिया। बच्चन साहब ने जॉब करी 30 साल 7 महीने, तो यहां भी बन जाएंगे उनके 31 ईयर, राइट। बच्चन साहब ने जॉब करी 30 साल 5 महीने, यानी कि 50% से नीचे चले गए, तो यहां अपर राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो लोअर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 0.5 से नीचे जा रहे हैं, यानी आधे से नीचे जा रहे हैं, तो यहां बैठेंगे 30 साल, यानी कि 6 महीने से ऊपर अपर राउंड ऑफ कर दो, बाकी लोअर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सबसे डेंजर सवाल है ये है चांद सितारे, है ना, बिल्कुल चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं, ये वाला गाने गाते हुए स्टार लगेंगे। 30 साल एग्जैक्टली 6 महीने, तो लॉ में पता क्या लिखा है, लॉ में लिखा है अपर राउंड ऑफ तब करेंगे जब 6 महीने से ऊपर चला जाएगा, तो 30 साल 6 महीने लोअर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 30 साल लिखेंगे। अब मुझे पता तुम्हारे घुटनों में क्या चिक चिक की आवाजें आ रही है, तुम्हारे घुटनों से आवाजें आ रही है, सर अगर मैं यहां लिख दूं बच्चन साहब ने जॉब करी 30 साल 6 महीने 1 दिन, लो हम तो ये लिखेंगे 30 साल 6 महीने 1 दिन जॉब करी, 30 साल 6 महीने 1 दिन जॉब करी, तो 6 महीने से एक भी दिन ऊपर चलेगा ना, अपर राउंड ऑफ का फायदा मिलेगा। तो 30 साल 6 महीने 1 दिन बन जाएंगे बच्चन साहब के कंप्लीट ईयर 31 साल। आप समझ चुके हैं, 30 साल 11 महीने 31 दिन, 31, 30 साल 9 महीने 31, 30 साल 5 महीने तो 30 ही रह जाएंगे, 30 साल 3 महीने 30 ही रह जाएंगे, 30 साल 6 महीने भी 30 ही रह जाएंगे। तो इसको ध्यान से नोट करेंगे कि कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस इस तरीके से लिया जाएगा, राइट। अब आपके सामने 3 लिमिट आ गई, मैं यहां से हटा रहा हूं तो क्यों समझाऊंगा मैं, अब आपके सामने 3 लिमिट आ चुकी है। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जम्पशन उतनी ही मिलेगी जैसे हम एचआरए में देते आए हैं, तीनों में से जो सबसे कम होगा, विच एवर इज लेस, इन तीनों में सबसे कम होगा वो होगा एग्जेम्प्ट, विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है मुन्ना, उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात, कहीं दिमाग लगाना ही है, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये तुम्हें लिमिट याद है, तीसरे पॉइंट पे दिमाग लगाना बस। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट सैलरी का मतलब होगा आखिरी के महीने की बेसिक, आखिरी के महीने का डीए, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर में क्या करेंगे, अपर राउंड ऑफ करेंगे अगर 6 महीने से एक भी दिन ऊपर जाता है। बोलो सर मजा ही आ चुका है, क्या शानदार बात बताई आपने, राइट। अब सर ये हम कर चुके हैं, अगर आप किसमें कवर है, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आती बात सर, मैं कह रहा हूं मैं ग्रेच्युटी एक्ट में कवर था ही नहीं, सर ये क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है कि नहीं है, या तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा ही इज नॉट कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट, या फिर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन खामोश है, खामोशियां एक राजी है सुनने तो आओ जरा, तो क्या सुनोगे, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में ये बता ही नहीं रखा कि वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है या नहीं है, तो क्या मानना है, ही इज नॉट कवर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है कि नहीं, तो क्या मानेंगे, ही इज नॉट कवर, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है तो मानना है कि वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है। सर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो क्या लिमिट बनेगी, क्या लिमिट बनेगी, ध्यान से देखेंगे क्या लिमिट बनेगी, ठीक है सर। पहली लिमिट शेम टू शेम जो हमारी कवर में थी वही नॉट कवर में है, बिल्कुल शेम टू शेम। सर क्या, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, मजा आएगा सर। दूसरी लिमिट शेम टू शेम जो हमारी ग्रेच्युटी एक्ट में कवर में है वही लिमिट सेम, कितनी सर 20 लाख, कोई टेंशन नहीं नक्को सर, शानदार जानदार बात थी, मजा आ गया, यानी कि दोनों में पहले लिमिट और दोनों में ही दूसरी लिमिट सेम है, इसलिए दिमाग ज्यादा लगाने नहीं है। तीसरी लिमिट में कुछ बदलाव किए गए, सुनना ध्यान से, तीसरी लिमिट में बदलाव किए गए, 15/26 की जगह लिख दिया गया 15/30, इससे क्या फर्क पड़ा सर, सुनना ध्यान से,
15/26, अगर आप 15/26 निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि ये परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो आपको पता लगेगा ये 57% बैठा है, ठीक है। यानी कि जो बंदा कवर है, जो बंदा कवर है उसकी एग्जम्पशन कितनी बनी, 57% बनी कि नहीं बनी, मुन्ना बनी कि नहीं, बने बने कि नहीं बने, बिल्कुल बने सर। यानी जो बंदा ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जो बंदा ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है उसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। कैसे, 15/26 की एग्जम्पशन मिल रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं मैं तुम्हें 26 दिन में से 15 दिन की माफी दूंगा, तो परसेंटेज में निकालोगे 15/26 × 100 तो पता लगेगा 57%, यानी मैं तुम्हें एग्जम्पशन दे रहा हूँ, माफी दे रहा हूँ 57% की। इससे बड़ी बात क्या है, अरे भाई बाप फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी मेहरबानी करी, 57% की माफी। और अगर मैं यहाँ 15/30 करता हूँ तो मात्र यहाँ माफी कितनी मिल रही है, 50% की। तो मुन्ना बात समझ में आई, इसलिए ग्रेच्युटी एक्ट कवर में 26 दिन रखे गए हैं महीने में और नॉट कवर में 30 दिन रखे गए हैं महीने में, ताकि ग्रेच्युटी एक्ट में जो बंदा कवर होगा उसे ज्यादा माफी मिले, 57% की उसे माफी मिले, और जो कवर नहीं है उसे थोड़ा नुकसान हो उसे 50% तक की ही माफी दी जाएगी, इसलिए 15/30 रखा गया। मजे आ गए सर, क्या लॉजिक था, बात समझ में आ चुकी है। इनटू लिखेंगे एवरेज सैलरी, क्या लिखेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, अभी बताऊंगा ये कैसे निकलेगी, लास्ट 10 मंथ, राइट, और इनटू करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। अब जब यहां पे नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर करेंगे तो यहां पे भी अपर राउंड ऑफ करेंगे ना मुन्ना, ना यहां अपर राउंड ऑफ नहीं करना सर, क्यों नहीं करना, ताकि हम नॉट कवर वाले को, ताकि हम नॉट कवर वाले को थोड़ा सा नुकसान, थोड़ी सी सजा दिलवा पाए। सर कैसे सर, इसमें देखो सेम क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमने है ना कवर में किया था, बच्चन साहब ने बताए 30 साल, बच्चन साहब ने बताए 30 साल 8 महीने। दूसरा क्वेश्चन, बच्चन साहब ने बताया मैंने जॉब करी 30 साल मान लो 11 महीने, फिर बच्चन साहब कह रहे हैं जी मैंने जॉब करी 30 साल 6 महीने, फिर बच्चन साहब कह रहे हैं मैंने जॉब करी 30 साल 5 महीने। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो मुन्ना ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, चलो इधर कर देता हूं, ग्रेच्युटी एक्ट में वो कवर है, और अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो कैसे ईयर का गेम चलेगा, राइट। इस क्वेश्चन के लिए, इस पॉइंट के लिए, नॉट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, कवर नहीं है, अगर कवर है तो आपको पता ही है, सिंपल सा था सर, यहां 31 साल, यहां 31 साल, यहां पे 30 साल, और यहां पे 30 साल, ये हमने पहले दो में अपर राउंड ऑफ कर दिए। अब सुनना राज की बात, राज की बात ये है, नॉट कवर को अगर सजा देनी है तो खुद खुद दिमाग लगाओ, जो ग्रेजुएट में कवर नहीं है उसे थोड़ी सी सजा देनी है तो क्या करेंगे, अपर राउंड ऑफ कैंसिल कर देंगे, तो इसका अपर राउंड ऑफ कैंसिल कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला 30 साल 8 महीने, कवर वाला खुश हो रहा है, अब देखा भागे तेरे मजे, अब देखे तू है कि नहीं, मैं बहुत बनना था ना, अब देखे तू 30 साल 8 महीने, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते तो 31 साल लिए जाते एग्जामिनेशन में, 31 साल लिए जाते, यहां 30 साल 8 महीने 30 साल ही लिए जाएंगे, अपर राउंड ऑफ नहीं करेंगे। 30 साल 11 महीने एग्जामिनेशन में है ना, आपके 31 साल कर दिए जाएंगे अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, लेकिन आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है, आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो यहां आपके 30 साल ही रहेंगे, और यहां तो उसके भी 30 थे तो यहां भी 30 और यहां भी 30। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेच्युटी एक्ट में जो बंदा कवर नहीं है, ग्रेच्युटी एक्ट में जो बंदा कवर नहीं है उसको अपर राउंड ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अपर राउंड ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान से नोट कर लिया, राइट सर, ये बात समझ में आ चुकी है, अपर राउंड ऑफ का फायदा नहीं है। तो भैया जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर था उसे फायदा था, तो यहां क्या लिख ले, नो बेनिफिट ऑफ अपर राउंड ऑफ, नो बेनिफिट, या ऐसे लिख दो नो अपर राउंड ऑफ, कोई राउंड ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है, लोअर राउंड ऑफ ही करना है, लोअर राउंड ऑफ करना, अपर राउंड ऑफ का, अप राउंड ऑफ का फायदा नहीं, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो इसमें 15/26, इसमें 15/30, 57%, यहां 50%,
यहाँ नंबर ऑफ ईयर जब लेते हैं या अपर राउंड ऑफ करते हैं? अपर राउंड ऑफ करते हैं, अपर राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ ईयर जब लेते हैं, अपर राउंड ऑफ नहीं करते, अपर राउंड ऑफ नहीं करते। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। अब सुनना अगली खास बात। सर ये बात का क्या मसला है? ये बात का एवरेज सैलरी है ना सर, ये बात एक बार और हो जाए तो मजा ही आ जाए। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे? राइट इसको है ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं ताकि एग्जाम में गलती हो ना। अगर कोई बंदा रिटायर हुआ फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में, अगर वो दिसंबर में रिटायर हुआ, चाहे वो 15 दिसंबर को रिटायर हो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, चाहे वो 31 दिसंबर को रिटायर हो, चाहे वो 1 दिसंबर को रिटायर हो, वो कभी भी रिटायर हो, रिटायरमेंट वाले महीने को छोड़ दे, है ना, लीव द रिटायरमेंट मंथ, लीव रिटायरमेंट मंथ, रिटायरमेंट वाले महीने को छोड़ दे। सर छोड़ दिया सर, फिर जब आप रिटायरमेंट वाले महीने को छोड़ेंगे तो उससे पिछले 10 महीने का एवरेज निकालना है, तो उससे पिछले 10 महीने की कैलकुलेशन होगी। सर अब मैं क्या करूंगा, पिछले 10 महीने है ना, ये बात हमने नोट कर ली सर। अब मैं क्या करूंगा, पिछले 10 महीने का डेटा निकालूंगा, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी है। यहां सैलरी का मतलब बिल्कुल सेम है जैसा हमने HR में पढ़ा, तो पता क्या करूंगा, पहले पिछले 10 महीने लिखूंगा। सुनना ध्यान से, बिल्कुल ऐसे फॉर्मूला लाना, कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में। पिछले 10 महीने ले लो, दिसंबर छोड़ दो, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मार्च, ये मैंने पिछले 10 महीने ले लिए। राइट, अब क्योंकि मुझे पिछले 10 महीने का ही एवरेज करना है, क्योंकि मुझे पिछले 10 महीने का ही एवरेज करना है, तो पहले मैं पिछले 10 महीने की सैलरी निकालूंगा। राइट, सैलरी में क्या क्या ऐड करूंगा, सैलरी में क्या क्या ऐड करूंगा, पिछले 10 महीने लिए, सैलरी में मैं लूंगा 3 लोग जो मैं HR में लेता था, बेसिक DA परसेंटेज और कमीशन परसेंटेज। थोड़ा सा लेंथी मेथड है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो शॉर्टकट से आप भी कर पाएंगे, लेकिन लेंथी करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करो, नवंबर की बेसिक DA कमीशन, अक्टूबर का बेसिक DA कमीशन, सितंबर का बेसिक DA कमीशन, ऐसे करते करते मार्च का बेसिक DA कमीशन, ये सारी की सारी चीजें आप क्या करते हो, 10 महीने का डेटा लिखते चले जाओ। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज के साथ। अब जब मैंने 10 महीने का डेटा लिख दिया, राइट, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, तीनों के तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो पिछले 10 महीने का डेटा आ गया, तीनों वैल्यू को जो ऐड किया इनको डिवाइड कर दो, एवरेज। जब हम स्टैट से क्वेश्चन करते थे तो हम सीखते थे सिग्मा एक्स अपॉन एल, सीखते थे नहीं सीखते थे, राइट, एवरेज करने के लिए, जैसे आप मीन भी बोलते थे, राइट, तो ये मीन वही वाला फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एक्स, सिग्मा बोलते टोटल कर दो इसका, सिग्मा बोलते टोटल कर दो इसका, टोटल कर दो इसका, डिवाइड बाय एन, यानी कितने महीने लिए, डिवाइड बाय 10, तो इन सब का टोटल करके, डिवाइड बाय 10 करके जो वैल्यू आएगी, ये मेरा होगा पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगी बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब इसे नोटिंग कर लो। राइट, मैंने क्या किया देखो, क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया देखो बताओ, जब मुझे ये निकालना था, ठीक है, जब मुझे निकालना था नॉट कवर में 15/30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर, तो जब मैं एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ 10 महीने की, तो 10 महीने की एवरेज सैलरी कैसे निकालूंगा, पहले उस महीने को छोड़ दूंगा जिस महीने में रिटायर हुआ। ठीक है, मैं दिसंबर में रिटायर हुआ तो दिसंबर छोड़ दिया, नवंबर से लेने शुरू कर दिया, नवंबर से लेकर मार्च तक 10 महीने लिख दिए मैंने। अब यहाँ पे सैलरी क्या लेंगे, पिछले 10 महीने की बेसिक, पिछले 10 महीने का DA और पिछले 10 महीने का कमीशन परसेंटेज, पिछले 10 महीने की बेसिक, पिछले 10 महीने का DA परसेंटेज, पिछले 10 महीने का कमीशन परसेंटेज, इन सब की वैल्यू लिख दी क्वेश्चन में से देखकर, जैसा भी हम करेंगे। इन सब की वैल्यू लिखने के बाद इन पिछले 10 महीने का बेसिक ये रहा, पिछले 10 महीने का DA ये रहा, पिछले 10 महीने का कमीशन ये रहा, इन सबको ऐड कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड करके जो वैल्यू आई ये होगा मेरा
लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, इसे मैं प्यार से क्या नाम दूंगा, इसे प्यार क्यों कहने में दूं, इस प्यार को नाम दूंगा लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी। इसको मैं, ये जो मैंने वैल्यू निकाली लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, और ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 15/30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक बार फिर से निहार लेते हैं, ग्रेचुटी, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट में या तो कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, नॉन गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम टेंशन खत्म, इसलिए क्वेश्चन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमसे पूछेंगे भैया क्या आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, आंसर होगा हाँ कवर है, कवर है तो एक्चुअल 20 लाख 15/26 इंटू एवरेज नहीं, 15/26 इंटू लास्ट जिंदगी की आखिरी बेसिक डीए इंटू नंबर ऑफ ईयर राउंड ऑफ करके। अगर वो कह रहा जी मैं लास्ट मैं ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हूं या फिर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम माने ग्रेचुटी एक्ट में वो कवर नहीं है, क्वेश्चन खुद कहे कवर नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है तो माने ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, एक्चुअल 20 लाख है ना, एक्चुअल अमाउंट और 20 लाख। इसके बाद तीसरे फॉर्म में क्या होगा, 15/26 की जगह 15/30 इंटू लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर, जिसमें अपर राउंड ऑफ नहीं करना होता, अपर राउंड ऑफ नहीं करना होता, 30 साल 11 महीने भी अपर राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 30 साल ही रहेंगे। और लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे लास्ट 10 मंथ की बेसिक, लास्ट 10 मंथ का डीए, लास्ट 10 मंथ का कमीशन, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, जो वैल्यू आएगी ये मेरी लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी होगी, और इस लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी को मैं इस जगह पर फिल कर दूंगा और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मजा ही आ चुका होगा, क्वेश्चन करेंगे तो मजा और आने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 29 देखते हैं क्या कहता है। बिजली है, बिजली बिजली रिटायर हुई है, धमाका, अरे बिजली है तो धमाके से ही रिटायर होगी, क्या बात है सर, मजा आएगा। 16 साल 11 महीने की नौकरी की है, रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी है 4400 पर मंथ, ठीक है, डीए 800 पर मंथ है और बोनस है 1000 रुपया, राइट। एक छोटा सा एडिशन इसमें कर देता हूं मैं ताकि आपको कोई चिंता ना रहे और लॉजिक भी समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे लंच अलाउंसेस मिल रहे हैं, लंच अलाउंसेस मिल रहे हैं, है ना, 1000 पर मंथ, मजे है सर, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम पे उसे ग्रेचुटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में साइलेंट है कि उसे ग्रेचुटी में वो कवर्ड है या वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानते हैं ग्रेचुटी में वो कवर्ड नहीं है, यानी क्वेश्चन अगर एज इट इज आया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये मानकर दैट शी इज नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कैसे, ग्रेचुटी कवर्ड मानकर, राइट। तो उसमें मैं खुद ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ, शी इज कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे वो नॉट कवर्ड से कर लेंगे, क्या टेंशन वाली बात है, She is covered in gratuity act. अब देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है सर, राइट। सबसे पहली बात तो ये कि फॉर्मेट एकदम सेम टू सेम चलेगा जैसे हम बनाते आए हैं, बेसिक डीए कमीशन बोनस रैप के साथ, ठीक है सर, बोला सर मजा आ गया, राइट। तो भैया चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि वर्किंग नोट के लिए जगह मिल जाए, ठीक है सर। तो बताओ बेसिक डीए इसमें है सर कमीशन बोनस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एंड इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, आरपीएफ का कोई डेटा इसमें नहीं है फिर भी लिख देते हैं क्योंकि अलाउंसेस के बारे में बात चली है, तो पहला पड़ाव अलाउंसेस, राइट, परक्यूजिट्स, ठीक है, और फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट तक पहुंच चुके हैं, फॉर्मेट आपको पता लग चुका है, फिर निकल जाएगा टोटल करके क्रॉस सैलरी। बेसिक कितनी है सर, बेसिक है हमारी 4400, तो मैं लिखूंगा 4400 इंटू 12, ठीक है सर, कितना आएगा 4400 इंटू 12 कर लेते हैं सर, ये आ गया सर हमारा 4400 इंटू 12 5
8000। ठीक है, डीए कितना है सर हमारा? डीए है हमारा 800 रुपया पर मंथ, 800 रुपया पर मंथ इंटू 12, राइट। तो 800 × 12 ये हो गया सर 9600। कमीशन क्वेश्चन में है क्या सर? कमीशन क्वेश्चन में नहीं है, बोनस है 1000 रुपए। तो भैया 12 से मत कर देना, बोनस साल में एक ही बार मिलता है निर्णय को। ठीक है, आरपीएफ निल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अलाउंसेज, हाँ सर एक अलाउंसेज है, इसमें क्या है सर? लंच अलाउंस, लंच अलाउंस ना ड्यू चैट में है ना लिमिट में, इसलिए सीधा आउटर कॉलम में लिखे जाएंगे इंटू 12000 रुपए। मजा आएगा सर। परक्विजिट्स क्वेश्चन में निल है, ठीक है, परक्विजिट्स क्वेश्चन में निल है। रिटायरमेंट बेनिफिट में सिर्फ ग्रेचुटी मिल रही है, प्रोविडेंट फंड से कुछ नहीं आ रहा, ग्रेचुटी मिल रही है। ठीक है जी, अब ग्रेचुटी मिल रही है, तो जैसे हमने आरपीएफ का जैसे हमने एचआरए का क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे ग्रेचुटी रिसीव्ड। ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी ग्रेचुटी प्राप्त हुई, कितनी ग्रेचुटी प्राप्त हुई मुन्ना? ग्रेचुटी प्राप्त हुई 60000 रुपए की। ग्रेचुटी प्राप्त हुई 60000 रुपए की। माइनस करेंगे इसमें से एग्जम्पशन, माइनस करेंगे इसमें से एग्जम्पशन, एग्जम्पशन निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, एग्जम्पशन निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है, तो मैं बहुत ही प्यारा सा वर्किंग नोट यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ ताकि आपको साथ के साथ दिखता है। वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट, और वो भी क्या मान के? कवर्ड, कि भैया वो जो है वो कवर्ड है ग्रेचुटी एक्ट में, हम क्वेश्चन में लिख चुके हैं, लिख चुके हैं, राइट। बोलो जल्दी जल्दी, वक्त से पहले एक्चुअल से ज्यादा सर किसी को कुछ नहीं मिलता, ये बात हम अपने घर वालों को भी बता चुके हैं। तो वक्त से पहले एक्चुअल से ज्यादा, यानी एक्चुअल ग्रेचुटी से ज्यादा तो कभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो एक्चुअल कितनी? 60000। दूसरा लिमिट, सरकार ने लिमिट कितनी बनाई कि 20 लाख तक अगर ग्रेचुटी मिली तो माफ कर देंगे, 20 लाख। तीसरी ही सबसे खास है जो एग्जाम में सॉल्व करनी है, इसी को सॉल्व कर दिया तो खेल खत्म। 15/12 लॉजिक बता चुका हूं, कवर्ड है तो 26, ताकि एग्जम्पशन 57% तक जाए, इनटू लास्ट एक महीने की सैलरी, यानी लास्ट एक महीने का बेसिक और लास्ट एक महीने का डीए, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, कितने साल आपकी जॉब कंप्लीट हुई है, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। ठीक है मुन्ना, समझ में आई बात? तो सर अब कैसे करना है? सर कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल, 15/26 आपको बताइए। लास्ट सैलरी का मतलब क्या? सबसे आखिरी महीने की बेसिक, सबसे आखिरी महीने जिस महीने में वो रिटायर हुई उस महीने की बेसिक, यानी लास्ट एक महीने की बेसिक प्लस, एक महीने की बेसिक प्लस एक महीने का डीए, वो भी 100%। ठीक है, तो भैया बताना एक महीने की बेसिक कितनी है? सर लास्ट बिल्कुल आखिरी महीने की बेसिक 4400 रुपए जब ये रिटायर हुई। ठीक है, साफ साफ लिखा भी है, जब ये रिटायर हुई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये लिखा मुन्ना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेसिक सैलरी थी 4400 रुपए। बोलो मजा आएगा, राइट, 4400 रुपए। साथ के साथ आखिरी महीने का डीए कितना है? डीए हमें जितना भी है 100% लेना है, क्योंकि आखिरी महीने का है, तो जा जिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, 800 रुपए, राइट। तो 4400 + 800 ये मेरी लास्ट सैलरी हो गई अगर कोई बंदा ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो, राइट। 4400 + 800 5200 रुपए। तो मैंने यहां कितने लिख दिए? 5200। ये मेरा इक्वेशन का दूसरा पॉइंट हो गया, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। अब ध्यान से देखो, कितने साल जॉब करी, इसलिए जान मुझे ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, 16 ईयर 11 मंथ अगर जॉब करी है मुन्ना मुन्नियों, तो अपर राउंड अप होगा या नहीं होगा? हैगो के ना हैगो, हैगो सर, अपर राउंड अप जरूर हैगो, क्योंकि गवर्ड है तो अपर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 16 ईयर 11 मंथ को आप कितना लिखेंगे सर? 17 साल। बोलो 17 साल। ठीक है, अब ये मेरी इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या है? 15/26 × 5200 × 17, बिना किसी टेंशन के कैलकुलेट करो जल्दी अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो, 15/26, ठीक है, इंटू 5200, ठीक है, इंटू 17 ईयर्स, तो ये आपका बैठ रहा है 60000। सर कितना बैठ रहा है?
नहीं 51,000, 51,000 इतने रुपए बैठे, राइट। ठीक है, अब देखो इन तीनों में सबसे कम क्या है, विच एवर इज लेस, सबसे कम क्या है सर, इन तीनों में सबसे कम है 51,000 रुपए सर, 20,60,000 और 51,000 से कम 51 है, 51 की एग्जामिशन ले लो और जी लो अपनी जिंदगी। माइनस कितनी करूंगा सर, 51,000। ठीक है मुन्ना, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा सर हमारा 9,000। खत्म कहानी, खेला खत्म। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर, बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, बिल्कुल मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है। तो उससे पहले लगा लो काटे, टन 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 टन, ये वैल्यूज गलत है सर, ये क्या हो गया, हे भगवान, ये सुनने से पहले ये आसमान क्यों नहीं गिर गया सर, क्या गलती कर दी हमने, बिल्कुल तो सही किया था। सुनो ध्यान से, तुमने मुझे फीस दे दी, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने एग्जाम दे दिए, नेक्स्ट ईयर फिर मैंने नए बैच को पढ़ाया, मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम तो पुराने बच्चे हो, हेलो, अरे मुन्ना मुन्नी हो, तुम तो पुराने बच्चे यार, फीस नहीं दोगे इस बार, सब पढ़ाई पढ़ाने की जरूरत क्या है, पिछली बार तुम्हारा क्लियर हो गया है ना, क्लियर होगा, फाइनल में पहुंच गए, अब क्या दिक्कत है, तो फीस दोगे मुझे, आप कहोगे सर वैसे तो सर बड़ी कृपा है सर कि आपसे पढ़ के हम पास भी हो गए, लेकिन फीस क्यों दे, इतने पैसे नहीं हमारे पास, क्यों मुझे फीस नहीं दोगे, क्यों फीस नहीं दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा, तो फीस किस बात की। ऐसे ही एक बात सुनना, जब कोई बंदा या बंदी बिजली रिटायर हो गई तो उसे सैलरी किस बात की दे रहे हो, सैलरी किस बात की दे रहे हो मुन्ना, सैलरी किस बात की दे रहे हो, ये बात मुझे समझ नहीं आई सर, क्या मतलब, ये रिटायर कब हुई है, चेक करना जरा मुन्ना मुन्नी हो, चेक कर लो ये रिटायर कब हुई है सर, इसलिए बिजली रिटायर हुई है 31 जनवरी को, लिखा साफ साफ 31 जनवरी, 31 जनवरी को अगर रिटायर होकर कोई बंदा घर पहुंच चुका है, घर पे इंजॉय कर रहा है बच्चन साहब की तरह, अरे भाई हाँ, और भाई हम तो अपनी जिंदगी भी बच्चों के साथ गुजारे गए, क्या टेंशन है, अब नहीं आएंगे हम ऑफिस, अब तो बीवी और हमारे बच्चे पास लाइन जहाँ से लगती है हम वहीं से आड़ हो जाते हैं, अगली बात। तो भैया जब 31 जनवरी को कोई बंदा रिटायर हो चुका है तो बताओ फरवरी को ऑफिस जाएगा, फरवरी को ऑफिस नहीं जाएगा, अगर फरवरी को ऑफिस नहीं जाएगा तो फरवरी को बेसिक डीए कमीशन बोनस अलाउंस पर कुछ नहीं मिलेगा, क्या मार्च में ऑफिस जाएगा, वो बंदा मार्च ऑफिस नहीं जाएगा, बिजली ऑफिस जाएगी, मार्च में ऑफिस नहीं जाएगी, जब बिजली मार्च में ऑफिस ही नहीं गई तो फिर भैया मार्च की सैलरी बेसिक डीए कमीशन बोनस क्यों मिलेगा, तो मुन्ना कितने महीने मिलेगा सर, जितने महीने हम ऑफिस जाएंगे उतने महीने ही सैलरी मिलेगी, तो यहां मुन्ना 4400 × 12 नहीं, 4400 × 10 करना है, 800 × 12 नहीं, 800 × 10 करना है, समझे, तो यहाँ आएगा 44,000, यहाँ आएगा 8,000, बोनस तो एक ही वन टाइम मिलता है, दिवाली के टाइम पे मिला होगा, तो यहाँ पूरा आ जाएगा 1,000, और यहाँ अलाउंसेस भी भैया 8 महीने और 10 महीने तो मिलेंगे, कब, 31 जनवरी तक, ठीक है, तो कितने आएंगे अलाउंसेस, 1,000 × 10, 10,000। ओहो सर आज आपने हमारी आंखें खोल दी सर, आज हमारे आंखें खुल गई सर, आपको भी गलती नहीं करेंगे ऐसी, अब ये ग्रेचुटी तो रिटायरमेंट पे मिल रही है, उसका तो लमसम अमाउंट है कि नहीं बात, राइट। अब ये करेक्ट क्वेश्चन बना, तो मुन्ना राज की बात क्या लिखी, राज की बात क्या समझ के समझ में आई, राज की बात बताई, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात है, बच्चे कई बार से गलती कच्चा खा जाते हैं सर, बेसिक डीए कमीशन बोनस है ना, बोनस वगैरह वन टाइम ही आ जाता है, ठीक है, अलाउंसेस परक्विजिट्स टेम्पररी परक्विजिट्स उतने महीने का ही मिलेगा जितने महीने आप ऑफिस जाएंगे, कितने महीने का मिलेगा लिख लेना आज के हिंदी में, उतने मंथ्स का ही मिलेगा, उतने मंथ्स का मिलेगा जितने मंथ्स एम्प्लॉय ऑफिस खेलने गया है, जितने मंथ एम्प्लॉय ऑफिस गया, यानी कि बेसिक डीए कमीशन बोनस अलाउंस पर रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेंगे, सिर्फ उतने ही महीने मिलेंगे जितने महीने एम्प्लॉय ऑफिस गया है, ये दिल में बात छप जानी चाहिए, ठीक है, लाल कलर के तीर के साथ, ठीक है सर, मजा आ चुका है। अब इसमें आप टोटल कर दीजिए, टोटल करते ही क्या बन जाएगा, ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, उसके बाद आप सेक्शन 16
डिडक्शन दे देंगे और फिर नेट सैलरी आ जाएगी, मजा ही आ गया, बोल दो सर। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, सबसे बड़ी गहराई की बात जो हमने इस क्वेश्चन में सीखी वो यही है कि रिटायरमेंट के बाद उसे बेसिकली कमीशन अलाउंस पर बिल्कुल भी मत दे देना। तो चलिए दोस्तों अब कुछ कंसेप्चुअल नोट देख लेते हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। अगर ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग द जॉब मिल गई, ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, हाँ सर कई बार हो जाता है आपको इमरजेंसी, आप जॉब के दौरान बोल सकते हैं कि भैया मेरी ग्रेच्युटी कटी हो रही है कई सालों के लिए, है भैया बहुत जरूरत है भाई मुझे बहुत जरूरत है, तो कंपनी आपको ड्यूरिंग द जॉब भी कुछ हिस्सा ग्रेच्युटी का दे सकती है कि भैया ले लो ग्रेच्युटी ले लो कोई बात नहीं, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे काट लेंगे आपके, अभी इतने ले लो। तो जो ड्यूरिंग द जॉब है, अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि रिटायरमेंट का पैसा अभी लेना पड़ रहा है, तो आपकी कोई भी मजबूरी हो भैया फाइनेंस मिनिस्टर नहीं सुनने वाले, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ड्यूरिंग द जॉब अगर ले ली तो वो होगी फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल। याद रहेगी बात, बिल्कुल याद रहेगी, जॉब के दौरान ग्रेच्युटी फुल्ली टैक्सेबल, रिटायरमेंट के टाइम पे एसआर के फॉलो करेंगे जो बनवाया है। सर अगली बात देखें, अगर ग्रेच्युटी मोर देन वन एम्प्लॉयर से मिली, यानी कि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि भैया एक एम्प्लॉय है वो दो जगह जॉब कर रहा है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स तो आप जानती है इमरान हाशमी है ना, इमरान हाशमी मान लो दो जगह जॉब कर रहा है, एक्स दो जगह जॉब कर रहा है पार्ट टाइम, ठीक है ना, याद आ गया, चेरी लिमिटेड लीची लिमिटेड है ना, चेरी में और लीची में, अब दोनों से ही वो एक ही साल में रिटायर हो रहा है, कह रहा भैया अब बहुत हो गया अब आराम करेंगे बच्चन साहब की तरह। तो अगर दोनों से वो एक ही साल में रिटायर हो रहा है तो चेरी के लिए जब वो एग्जम्पशन कैलकुलेट करेगा, चेरी के लिए जब एग्जम्पशन कैलकुलेट करेगा तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कवर्ड है तो 15/26 इनटू ये, और लिमिट क्या 20 लाख होगी, हाँ सर, और जब लीची की एग्जम्पशन कैलकुलेट करेगा तो 15/26 वाली लिमिट चल रही है, एक्चुअल चल रही है, तो इसकी जो लिमिट है सेकेंड वो 20 लाख होगी, यानी दोनों की लिमिट अलग अलग होगी 20 और 20, यानी कि चेरी से 20 और लीची से 20, है कि नहीं बात, हाँ सर बिल्कुल, गलत जवाब, नलायको ला पढ़ो, ला ला क्या कहता है, ग्रेच्युटी अगर रिसीव हो रही है फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर इन सेम प्रीवियस ईयर, यानी एक ही साल में आप दोनों जगह से रिटायर हो रहे हैं, तो जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी की एग्जम्पशन मिलेगी वो लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी। जे का मतलब हो गया, जे मतलब क्या हुआ, जे मतलब बहुत सिंपल हुआ कि जब एक्स रिटायर होगा चेरी से और लीची से तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, है ना, दोनों का मिक्स करके, है कि नहीं बात, राइट, यानी कि चेरी का भी और लीची का भी, और दोनों की लिमिट 40 नहीं मुन्ना 20 ही रहेगी, है कि नहीं बात, 40 नहीं रहेगी 20 ही रहेगी। तो ये जो 20 लाख की लिमिट है, ये जो 20 लाख की लिमिट है वो दोनों की मिला के, यानी कि अगर आप एक जगह नहीं दो जगह काम कर रहे हैं, दोनों से रिटायर हुए, तीन जगह काम कर रहे हैं तीनों जगह से रिटायर हुए, तो ये एग्रीगेट क्या लिखा है, एग्रीगेट यानी कि टोटल लिमिट यही है, चाहे आप कितनी जगह से रिटायर हो जाए टोटल लिमिट ये ही रहने वाली है। बोलो मजा आ गया सर, मजा ही आ गया सर, राइट। अगली बात बहुत ध्यान से देखेंगे सर, क्या कहता है, देखो, इन केस वेयर एम्प्लॉय रिसीव ग्रेच्युटी इन अर्लियर ईयर, सुनना ध्यान से, एक एम्प्लॉय बेचारा रिटायर हुआ जब वो है ना मान लो 55 साल का था, 55 तक जॉब करे रिटायर हुआ, वहां से जब वो रिटायर हुआ तो उसने मान लो 7 लाख की माफी ले ली, ठीक है, राइट, कैसे निकाली, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है ना, मान लो 15 लाख लिमिट 20 लाख 15/26 वगैरह कर करा के उसके 7 लाख, तो उसने माफी ले ली 7 लाख रुपए की। फिर 55 साल बाद जब वो रिटायर हो गया, राइट, फिर पहुंचा वो दूसरी कंपनी में, कई बार लोग ऐसे होते हैं रिटायरमेंट के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर उसने वहां मान लो 5 साल जॉब करी, और फिर 5 साल के बाद यानी कि जब वो 60 ईयर का हुआ फिर रिटायर हो गया, वहां से भी उसे ग्रेच्युटी मिली। अब वहां से जब वो उसे ग्रेच्युटी मिली तो पहली ग्रेच्युटी तो ये हो गई है ना, ग्रेच्युटी 1, फिर ये हो गई भैया ग्रेच्युटी 2, तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं भैया तुम बड़े मजे ले रहे हो, ग्रेच्युटी 1 ले ली पहले 55 साल में यहां से रिटायर होकर, 7 लाख की माफी तुमने कर ली, है कि नहीं बात, फिर भैया ग्रेच्युटी 60 साल में रिटायर हो, फिर ग्रेच्युटी 2 ले ली, फिर 60 साल के बाद कहीं ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 5 साल के लिए, राइट, कोई कंपनी आपको रख लेगी आपके एक्सपीरियंस के बेस पर, फिर वहां से ग्रेच्युटी लेना, फिर वहां से ग्रेच्युटी 3 ले लेना। तो भैया क्या खेल बना रखा है, ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी खेलने आए हो,
ऐसा नहीं चलेगा, और ऐसा चल भी रहा है तो सुन लो बात। अगर एक एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी मिल चुकी है पहले अपने फॉर्मर एम्प्लॉई से, जिसे मैंने नाम दिया यहां पर G1, ग्रेच्युटी 1 मिल चुकी है, फिर मुन्ना उसे ग्रेच्युटी मिल रही है दूसरे एम्प्लॉयर से अगले कुछ सालों बाद, तो अब सुनना सबसे डेंजरस बात माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस। सर क्या है वो खतरनाक बात? तो जब आप दूसरे साल की या दूसरे एम्प्लॉयर की ग्रेच्युटी निकालेंगे, तो निकालते टाइम पर जितनी पहले एग्जम्पशन थी उसे घटा देना। समझ गए? कैसे सर? जब मैं G2 निकालूंगा, जब मैं G2 की कैलकुलेशन करूंगा, तो ग्रेच्युटी 2 जब मैं निकालूंगा, जब मैं 60 साल बाद रिटायर हुआ हूं, है ना, यहां पर है ना, तो ग्रेच्युटी 2 जब मैं निकालूंगा तो लिखूंगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरी लिमिट जब मैं निकालूंगा तो दूसरी लिमिट में लिखूंगा 20 लाख की लिमिट, और माइनस कर दूंगा वो अमाउंट जो मैंने पहले एग्जम्पशन ले ली। पहले एग्जम्पशन कितनी ले ली? 7 लाख। तो मेरे दूसरे ग्रेच्युटी की लिमिट कितनी बनी? सर ये बनी 13 लाख। और फिर अपना तीसरा लिख दूंगा, अगर मैं कवर्ड हूंगा तो भैया 15/26 इंटू एवरेज इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है मुन्ना ये कि लिमिट में से उतने रुपए घटा दिए जाएंगे जितने पहले मुझे माफी मिल चुकी है। अब बच्चा एग्जाम में गलती क्या करता है? गाना गाते हुए दिल गलती कर बैठा, सर दिल गलती कर बैठा। एग्जाम में लिखा होता है प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस एम्प्लॉयर से, है ना, पिछले एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिली 15 लाख, ठीक है, एक ये बात लिखी है। फिर उसी के नीचे लिखी होगी और पिछले एम्प्लॉयर से जो ग्रेच्युटी मिली उस ग्रेच्युटी में एम्प्लॉय ने एग्जम्पशन ली थी 7 लाख। अब दो अमाउंट आ जाते हैं आपके सामने कि भैया ग्रेच्युटी पिछले एम्प्लॉयर से G1 मिली थी, ग्रेच्युटी 1 मिली थी 15 लाख, और उसी G1 में से एग्जम्पशन ले ली थी 7 लाख। तो जब बच्चा यहाँ पे कैलकुलेट करता है ये वाली लिमिट जब कैलकुलेट करता है तो 20 लाख। अब एग्जाम में दिमाग की बत्ती गुल, सर याद नहीं आ रहा मुझे, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो एग्जाम में गड़बड़ करते, गाना ना छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें उड़ जाती हैं, दिल में बेचैनी और इंतजार होता है। ऐसी यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में लंबी हो जाती हैं, फिर घर पे आके नींदें उड़ जाती हैं। तो भैया एग्जाम में छोटी छोटी बातें लंबी ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखो कौन सी चीज घटानी है जो लॉ में कहा है। लॉ में क्या कहा है सर? लॉ में कहा है आप उतना अमाउंट घटाएंगे जितना आपकी एग्जम्पशन थी। तो यहां से कितना अमाउंट मुझे घटाना है जितना लॉ में कहा है। तो लॉ में कितना कहा है? आपको उतना ही अमाउंट घटाना है जितना आपने पिछले ग्रेच्युटी में एग्जम्पशन ली थी। तो भैया 7 लाख ही घटाना, गलती से भी 15 लाख मत घटा देना, राइट? मेरे दोस्तों बात समझ आ चुकी होगी, एग्जाम की गलती भी आप पकड़ चुके होंगे, यही मजा है डीपली गहराई से कानून पढ़ने का। सर अगर एक क्वेश्चन और हो जाए तो मजा ही ना आ जाए? बिल्कुल मजा आएगा, फिर ही मजा आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत ही गहराई से ध्यान से देखेंगे, बहुत 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 ही खास क्वेश्चन है। चांद तारे लगाएंगे, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं, इधर देखिए ध्यान से क्या लिखा है। सलीम अनारकली डिस्को चली, रिटायर हो रहा 15 जून को। अजी हाँ 15 जून, ये क्या चक्कर है सर, जून में रिटायर होगा इतनी जल्दी? हम तो सोचते थे दिसंबर में रिटायर होगा, जनवरी में रिटायर होगा, फरवरी में रिटायर होगा, जून में रिटायर हो गया। कोई बात नहीं सर, जब वो रिटायर हुआ तब उसको 7,000 रुपये पर महीने की तनख्वाह थी, ठीक है सर? ये ब्लू लाइन जो लिखी है बहुत ही खतरनाक है ना, ब्लू लाइन से जो हाईलाइट किया है। DA 20% है, जिसका 60% वो रिटायरमेंट बेनिफिट के रखता है, ये तो पुरानी बात है। कंपनी में उसने जॉब करी 10 साल 11 महीने 15 दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे डेंजर बात जो है वो ये है जो मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, उसे इंक्रीमेंट मिला 500 रुपया का विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2020, और वो रिटायर कब हुआ है? जून 2020,
ठीक है, तो जनवरी 2020 में उसे इंक्रीमेंट मिला, यानी कि उसको 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिला होगा, यानी उसकी सैलरी में 500 रुपए का बढ़ावा किया गया, ठीक है, और उसे 1 लाख की ग्रेच्युटी मिली। सबसे डेंजर बात इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको पढ़ा, देखो वही आ गई, और जब वो पिछले एम्प्लॉयर से रिटायर हुआ, सलीम हैज रिटायर्ड अर्लियर वर्क इन मुन्नी लिमिटेड, वहां से उसे ग्रेच्युटी मिली और एग्जम्पशन हो गई 3 लाख। अभी तो समझाया कौन सा अमाउंट घटाना है, जो एग्जम्पशन का, एग्जम्पशन कितनी है उसकी, 3 लाख। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है, सब बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं ताकि चिंता से हम मुक्त हो जाए, राइट। पहली बात, सबसे पहली बात, अब तुम मुझे बताओ कितने महीने की सैलरी मिलेगी, पूरे 12 महीने की, नलायको झपाटे लगेंगे, झापाट है, सैलरी कितने महीने की मिलेगी? सर उतने महीने की मिलेगी जितने महीने वो जॉब करने गया। और हमारा ईयर कब से शुरू होता है मुन्ना? सर फाइनेंशियल ईयर बचपन से ही शुरू जानते हैं, अप्रैल से, रिटायर कब हो रहा है, जून में, यानी कि अप्रैल की पूरी सैलरी मिलेगी, ठीक है, मई की भी पूरी सैलरी मिलेगी, जून के 15 दिन की सैलरी मिलेगी, उसके बाद तो वो रिटायर हो गया, जून के 15 दिन की सैलरी। बोलो सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है। 3 महीने की सैलरी, 3 महीने का बेसिक, 2.5 महीने का बेसिक, 2.5 महीने का डीए, 2.5 महीने का ही कमीशन अगर मंथली वाइज है, 2.5 महीने के अलाउंसेस, 2.5 महीने के पर, ये बात है ना दिल की गहराइयों तक उतार लें कि जितने महीने मैं जॉब करूंगा उतने महीने की ही सैलरी मिलेगी। जब रिटायर हुआ उसकी सैलरी कितनी थी? 7,000 रुपया। जब रिटायर हुआ उसकी सैलरी कितनी थी? 7,000 रुपया। 7,000 रुपये उसकी सैलरी थी, यानी कि 3 महीने की बेसिक कितनी हो गई सर? 7,000, 2.5 महीने की इंटू 2.5, 17,500। ऐसे उसका डीए कितना था? 20% ऑफ सैलरी, ठीक है, बाकी इंक्रीमेंट वाली बात है, राइट। उसका इंक्रीमेंट कब हुआ, सुनना ध्यान से, उसका इंक्रीमेंट कब हुआ सर? उसका 500 रुपए इंक्रीमेंट हुआ जनवरी 20 में। हमारा ईयर कब से शुरू हो रहा है हमारा ये वाला सर? अप्रैल से। तो इंक्रीमेंट जब जनवरी 20 में हुआ होगा और उसके रिटायरमेंट की सैलरी 7,000 रही होगी, इसका मतलब इंक्रीमेंट से पहले सैलरी कितनी रही होगी? मुद्दा समझ में आ रहा है? जब वो रिटायर हुआ उसकी सैलरी थी 7,000 रुपए। फिर नीचे लिखा है उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया था जनवरी में 500 रुपए का। तो जब जनवरी में 500 रुपए का उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया होगा, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद, सैलरी में इंक्रीमेंट लगने के बाद, सैलरी में इंक्रीमेंट लगने के बाद 7,000 हुई है, इंक्रीमेंट से पहले कितनी रही होगी? 6,500 ही तो रही होगी, यानी कि दिसंबर तक उसकी सैलरी 6,500 थी। फिर जनवरी में उसके मजे आ गए, है ना, जनवरी में उसकी इंक्रीमेंट कर दी गई 500 रुपए से, राइट। तो फिर जनवरी में वो क्या बोला होगा, जनवरी में मिठाई का डब्बा गया होगा, जनवरी में बोला होगा भैया 500 रुपए का एडिशन हो गया, टोटल सैलरी मेरी होगी 7,000। तो जनवरी में 7, फिर फरवरी में भी 7, ठीक है, मार्च में भी 7, फिर अप्रैल में भी 7, फिर मई में भी 7, और फिर जून में भी 7। तभी तो क्वेश्चन में लिखा है रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी सैलरी है 7। वाह सर, मजा आ गया, है कि नहीं बात? तो चलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से सिखा ही दूंगा। अब ठीक है, हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल सैलरी ऐसे करके। अब मैं आपको फॉर्मेट बना के देता हूं बिना टेंशन के, ठीक है, फॉर्मेट बना के देता हूं बिना टेंशन के। सर फॉर्मेट में क्या होगा? वही बेसिक डीए कमीशन बोनस रैप गाएंगे सर। बेसिक कितना था सर? 2.5 महीने का 7,000 इंटू 2.5 मंथ, सर ये हो गया 17,500। ये कितना हो गया सर? 17,500, राइट। डीए कितना था? 20% ऑफ सैलरी, तो 7,000 का 20%, सर 7,000 इंटू 20% 1,400 रुपये। तो 1,400 रुपये इंटू 2.5 इंटू सर 1,400 रुपये इंटू 2.5 ये हो गया सर 3,500। अगर आप 17,500 का भी 20% कर देंगे तो भी वो सेम ही निकल के आएगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है 7,000 का 20% था। कमीशन क्वेश्चन में है नहीं, बोनस क्वेश्चन में है नहीं, आरपीएफ भी क्वेश्चन में नहीं है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ भी क्वेश्चन में नहीं,
इतनी बात तो आप समझ चुके हो, प्रैक्टिस कर भी चुके हो। अलाउंसेस भी क्वेश्चन में है नहीं इसमें, और इस क्वेश्चन में परक्विजिट्स भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया निल अपने फॉर्मेट के हिसाब से। क्या इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं? हाँ, इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं सर, बिना किसी टेंशन के रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। सर कितने हैं रिटायरमेंट बेनिफिट? सर ग्रेच्युटी है, और क्वेश्चन में साइलेंट है कि ग्रेच्युटी में कवर है कि नहीं, तो हम क्या मानेंगे? ही इज नॉट कवर्ड इन ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी प्राप्त कितनी हुई? सर ग्रेच्युटी प्राप्त हुई बहुत ही बढ़िया तरीके से 1,00,000 रुपए, जो हम इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस करेंगे एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन मुन्ना हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, और इस क्वेश्चन में मैं क्या मान रहा हूं कि वो नॉट कवर्ड है, तो वर्किंग नोट में आएंगे। ठीक है मुन्ना, वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट, क्या अज्यूम किया है? क्वेश्चन साइलेंट, तो क्या अज्यूम किया? एसएससी या एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट, वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उसकी पहली लिमिट क्या बनती है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, कितना उसे ग्रेच्युटी मिली सर? एक्चुअल अमाउंट 1,00,000 रुपए, मजा आएगा सर। दूसरी, जो सरकार ने लिमिट बनाई है, सरकार ने कितनी लिमिट बनाई है सर? 20,00,000 रुपए, ये भी मजा आ गया बात। तीसरी लिमिट जो थी वो है सबसे शानदार जानदार चीज, 15/ कितना, जल्दी बोलो कितना? 26-30 सर, नॉट कवर्ड 30, ताकि 57 की जगह कम उसे एग्जम्पशन मिले, इस पे आ जाए वो 50% पे, इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी, जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया सेम फॉर्मूला बना कर दिखाऊंगा आपको, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ जॉब, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है मुन्ना, राइट। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए राइट नंबर ऑफ ईयर भी देख लेते हैं और एवरेज सैलरी भी देख लेते हैं। सर एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? पिछले 10 महीने का बेसिक प्लस डीए कमीशन, डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज, ये हमें करना है। ठीक है, कितने साल जॉब करी उसने सर? उसने जॉब करी है सर 10 साल 11 महीने 15 दिन। अब बताओ 10 साल 11 महीने 15 दिन, 10 साल 11 महीने 15, अपर राउंड ऑफ कर दूं क्या 10 साल के 11 साल कर दूं? ना मुन्ना ना, यहाँ कितने लिखने हैं सर? अपर राउंड ऑफ नहीं होता क्योंकि वो नॉट कवर्ड है, राइट। अब इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए अगर ये वाला एलिमेंट पूरा हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो कैसे निकलेगा? पहले मैं पिछले 10 महीने लिख लेता हूँ, सिंपल आराम से लेंथी प्रोसेस करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस रिटायर कब हुआ सर? रिटायर कब हुआ? 15 जून। और मैंने आपको क्या बताया जी, आप उस महीने को छोड़ देते हैं जिस महीने में वो रिटायर हुआ, चाहे वो 1 तारीख को हो, चाहे 31 को हो, चाहे 15 को, लीव इट मुन्ना, लीव इट, छोड़ दिया सर। जून से पहले क्या आएगा? मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सितंबर एंड अगस्त। ये आ गया नहीं आ गया मुन्ना? बोलो मुन्ना, आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। क्या करना है सर? पिछले 10 महीने का डेटा निकालना है, और उस डेटा में क्या क्या लेना है? उस डेटा में क्या क्या लेना है सर? सर पिछले 10 महीने में सबसे पहले हमें लेना है 10 महीने की बेसिक, फिर उसमें ऐड कर देना है सर 10 महीने का डीए परसेंटेज वाला, और फिर सर कमीशन भी वही लेना है जो टर्नओवर का परसेंटेज होगा। पिछले 10 महीने की बेसिक अगर देखें, जब वो रिटायर हुआ मई जून में, तो 7,000 थी, तो मई में कितनी थी? अभी मैंने आपको बताया था सर 7,000 थी, अप्रैल में भी 7,000 थी, इंक्रीमेंट कब हुआ था? जनवरी में, तो जनवरी में 7,000 हुए थे उसके, तो फेब में भी उसे 7,000 मिली थी, और जनवरी में इंक्रीमेंट होकर 7,000 मिली थी। यहां से उसको 7,000 मिलनी शुरू हुई थी जनवरी से, जनवरी में इंक्रीमेंट हुआ था 500 रुपए का, इसका मतलब दिसंबर में उसे कितने मिलते थे सर? दिसंबर में उसे 6,500 मिलते थे, है कि नहीं बात मुन्ना? दिसंबर में उसे 6,500 मिलते थे, तभी 500 ऐड होकर जनवरी में 7 हुए सर। यहां भी 6,500, यहां भी 6,500, यहां भी 6,500, और यहां भी 6,500। बोलो सर, मजा आ गया? अगर मैं बोलूं तो शॉर्ट में आप कर सकते हैं, आप पहले लिख सकते हैं 7,000 × 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है,
तो 7,000 35, राइट, तो ये तो हो गया 35,000, ठीक है मुन्ना। और 6,500 × 5 ये आ गया सर 32,500, कितना आ गया सर 32,500। अब 32,500 में 35,000 ऐड कर दो तो उसके पीछे 10 महीने की सैलरी कितनी आ गई मुन्ना, 10 महीने की सैलरी उसकी सर यहाँ पे लिख देंगे हम 67,500। सर ये आ गई हमारी 10 महीने की सैलरी 67,500 बेसिक, ठीक है सर। डीए का करते हैं, डीए का, डीए का क्या मसला है सर, डीए का मसला ये है सर कि उसे परसेंटेज वाला लेना है। तो जब वो रिटायर हुआ तो उसकी सैलरी कितनी थी 7, और क्वेश्चन में डीए कितना लिखा है 20% ऑफ बेसिक। ये है सबसे डेंजर लाइन, 20% ऑफ बेसिक। तो जो जो आपके सामने पूरा डेटा लिखा है इसका 20% निकालते जाओ, खेल खेला खत्म। 7,000 का 20% है ना 1,400 रुपये, 7,000 का 20% 1,400 रुपये, 1,400 रुपये, 1,400 रुपये और 1,400 रुपये। बुढ़ापे की परसेंटेज 60%, 60%, 60%, 60%, 60%, ठीक है। फिर आया 6,500, फिर उसके बाद कितने आए सर 6,500, तो 6,500 का 20% 1,300 रुपये, 1,300 रुपये बुढ़ापे की परसेंटेज तो 60 ही रहेगी, क्योंकि बेसिक में से 20 तो मेरा डीए है, उसमें से 60 बुढ़ापे की परसेंटेज है, 60%, तो 1,300 60%, 1,300 60%, 1,300 60%, 1,300 60%। अब इन सब का ट्यूटोरियल कर सकते हो मुन्ना, 1,400 का 60% सर, 1,400 का 60% ये आ गया 840, 840 तो 840 इसका भी सबका 840 आएगा है ना, 840 840 840, 5 बार 840 हो गया। फिर 1,300 का 60% निकाला सर, 1,300 का 60% ये आया 780, तो आपको पता लगेगा इन 5 महीने का भी 780 780 780। अगर मैं इनका टोटल करूं तो 840 × 5 + 780 × 5 ये आ गया 3,900, और 840 × 5 सर 840 × 5 ये आ गया 4,200 है कि नहीं। बात कमीशन है क्वेश्चन में मुन्ना, कमीशन क्वेश्चन में नहीं है, तो कमीशन के ब्रैकेट क्या आप क्या लिख देंगे निल, 10 बार निल लिखना चाहे 10 बार निल लिखते, चाहे ऐसे लिखते, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कमीशन हो गया निल, मजा आ गया। अब पिछले 10 महीने की बेसिक 67,500, पिछले 10 महीने का डीए सर 4,200 + 3,900 तो ये आ गया 8,100, तो 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। और कमीशन है निल, और कमीशन है निल, राइट, इन दोनों को ऐड कर दे, इन तीनों को ऐड कर दो, 67,500, 8,100 और निल, इन तीनों को ऐड कर दो और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 8,100 + 67 + 6 7,500 तो ये आ गया सर 75,600, तो नीचे थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है सर, ये यहां लिख देता हूं, चलो 6,750 + 8,100 ये आ गया सर 75,600। और मैंने क्या बताया था, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 करेंगे, डिवाइड बाय 10 तभी तो एवरेज आएगा, एवरेज सैलरी आ गई मेरी 7,560, डिवाइड बाय 10 करके 7,560, यानी इन शॉर्ट। अब मैं अपने मेन फॉर्मेट पे जाऊंगा, एवरेज सैलरी कितनी आई 7,560। अब ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल फाइनल बन चुकी है 10/10, राइट सर, 10/10 कैसे, 15/30 × 7,560 × 10, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं बची सर, 15/30 ठीक है × 7,560 × 7,560 × 10, तो ये आ गया सर 3,3780। इन तीनों में बताओ सबसे कम क्या है,
इन तीनों में सबसे कम है सर 3780 3780। मेन फॉर्मेट में जाएंगे, ये आगे सर हम मेन फॉर्मेट में, याद आ गया यहाँ मेन फॉर्मेट बना रहे थे, मेन फॉर्मेट में जाएंगे लिखेंगे 3780। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा सर, आउटर कॉलम में आ जाएगा 6200। अब बाकी का काम बिल्कुल आसान है और कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है नहीं, सबका टोटल कर दें, ग्रॉस सैलरी आ गई, इसमें से 16 डिडक्शन दे दी और फिर आपका नेट सैलरी का आंसर आ जाएगा। राइट, उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है ना मुन्ना, ना एक गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा, हालांकि कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पर एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। बताओ क्या, ये जो लाइन लिखी है 3 लाख की एग्जामिशन हमें मिली थी, 3 लाख की एग्जामिशन हमें मिली थी पहले एम्प्लॉयर से, वो लिमिट में से घटा के नहीं दिखाई इसलिए नंबर कट जाएगा। इसलिए ये यहाँ पे कांटा लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे 20 लाख माइनस 3 लाख और नोट डाल के आएंगे इस चीज का कि प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो भी एग्जामिशन लेते हैं उसे घटा देते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिशन 20 लाख की जगह हमें कितनी लिखनी पड़ेगी सर, सर लिखनी पड़ेगी 17 लाख। बस ये एक बात मेन समझने वाली थी इस क्वेश्चन में। हालांकि विच एवरेज का 3780 ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही निकला है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। रिटायरमेंट तक ही बेसिक डीए देना है, ये बात याद रखना। कैलकुलेशन में आपको दोनों बता चुका हूँ, अगर कवर्ड है तो ऊपर वाला क्वेश्चन किया, नॉट कवर्ड मान के हमने सलीम वाला क्वेश्चन किया। ग्रेचुटी में आप महारत हासिल कर चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा ग्रेचुटी को आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुझे दुआ में याद रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।